हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा मेटा मेटाइसोट फ्रेमवर्क का सो so, आज वीडियो के वीडियो का जो कंटेंट है वो हम स्टेप्स डिवाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटा मेटाइसोड कंपोनेंट्स क्या क्या है एम एस एफ कंसोल क्या है मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं हो, और उनके साथ कैसे आप वर्क कर सकते हैं एंड समराइज सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द मेटा मेटा सो मेटाइसोट लाइक मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सप्लोटेशन फ्रेमवर्क सो so, जब भी हम कोई िटी फाइंड करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ सिक्योरिटी लूप होल कुछ भी फ्लो सो so, आपको उसको एक्सप्लोइ करना होता है नाउ इट्स वी कैन से कि एक सेट ऑफ कोड होता है तो जो भी हमने वनबिलिटी फाइंड की है uh, उसका एक्सेस करने के लिए सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पी एच पी वर्जन फाइव मिलता है सो देर आर मेनी वनबिलिटीज ऑन पी एच पी वर्जन फाइव सो so, उस फाइव के अंदर हो सकता है कि आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वर्नेबिलिटी हो या फिर रिवर्स कनेक्शन से रिलेटेड वर्नेबिलिटी हो सो so, उस केस के अंदर आप डायरेक्ट मेटा स्प्लोइड यूज में ले सकते हैं टू एक्सप्लोइ दैट वर्नेबिलिटी नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ कंपोनेंट्स की सो बेसिकली देर आर मेजरली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मेटा स्प्लोइ द फर्स्ट वन इज एमएसएफ कंसोल सेकेंड वन इज मॉड्यूल्स एंड थर्ड वन इज टूल्स सो एम एस एफ कंसोल ये आपका बेसिकली सी एल आई के रूप में काम में आता है सो सी एल आई के टाइप पे आप इसको यूज़ में ले सकते हैं जो जिसका प्रैक्टिकल हम अब ये देखने वाले हैं देन सेकेंड कंपोनेंट इज मॉड्यूल सो मॉड्यूल इट्स लाइक सपोर्टिंग मॉड्यूल्स जैसे कि आपके एक्सप्लोइ्स हो गए ऑक्जिलरीज हो गई पोस्ट एक्सप्लोइटेशन स्कैनर्स एंड पेलोट्स तो ये सब ये आपके मॉड्यूल्स में आते हैं देन टूल्स में हो गया कि बेसिकली स्टैंड अलोन टूल है जो कि वी ए पी टी या फिर टेस्टिंग के लिए काम में आता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंड्रॉइड से रिलेटेड कुछ पेलोड्स क्रिएट करने हैं कुछ ए पी के फाइल क्रिएट करनी है आई एस फाइल क्रिएट करनी है डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल या एनी एक्सटेंशन सो यू कैन क्रिएट विद हेल्प ऑफ मेटाइस तो वहाँ पे टूल्स आते हैं सो फॉर एग्जाम्पल जैसे एमएसए विनम सो इन सभी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं बट लाइक बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल पार्ट वी जस्ट नीड टू कि अगर आपको सर्च करना है सो यू कैन ओपन गूगल एंड देन सर्च मेटा स्प्लोइड सो मेटा स्प्लोइ ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा

कर रहे हो सो यू कैन यूज ओपन सोर्स आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं बिकॉज लाइक देर आर अदर एक्सप्लोइ्स ऑल्सो ऑन मार्केट कि आपने कुछ एक्सप्लोइ्स uh, देखे सो so, रूबी के अंदर आप डायरेक्ट इससे इम्पोर्ट कर सकते हो बिकॉज इट्स टोटली ओपन सोर्स सो काली लिनक्स के अंदर ये आपके बाई डिफॉल्ट आपके इंस्टॉल आता है कैन यूज़ डायरेक्टली एम एस एफ इंसोल योर एम एस एफ विनम जो भी आपके टूल्स वगैरह आप यूज़ में ले रहे हैं और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गिट ऑल्सो सो वेन एवर यू क्लिक ऑन दिट्स डाउनलोड सो ये डिडायरेक्ट करेगा आपको विकी पेज पे सो यू कैन जस्ट क्लिक दट कोड पार्ट एंड वेन एवर यू स्क्रोल डाउन आपके पास अगर आप विंडोज यूजर है सो यू कैन यूज़ द इंस्टॉलर एज वेल या फिर आप यहाँ से पूरा कोड कॉपी करके आप सेटअप कर सकते हो सो so, अभी मेरे केस में मैं यूज़ में ले रहा हूँ काले लिनक्स सो देर आर मल्टीपल टूल्स और मल्टीपल कमांड्स बट जितना हो सकता है उतना कवर करते हैं आज के इस uh, वीडियो के अंदर सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आई एम एस एफ कंसोल से सो so, जब भी आप यहाँ पे एम एस एफ कंसोल करते हैं एंड एंटर करते हैं यहाँ पे सो so आपके पास मेटाइस फ्लोइड फ्रेमवर्क है जो एम एस एफ मेटाइस फ्लोइड फ्रेमवर्क कंसोल वो आपका ओपन हो जाएगा बट विद द बैनर अगर आप बैनर के बिना करना चाहते हैं सो यू कैन यूज़ हाइफन फंड क्यूब सो दोनों एग्जाम्पल करके देख लेते हैं फर्स्ट एम एस एफ कंसोल एंड लेट मी ओपन न्यू टैब देन रही है। यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपके आएगा नहीं यहाँ पे डायरेक्ट आपके चालू होकर आ गया एम एस एफ सिक्स जो मेरा वर्जन है एंड देन यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे आपके पास बैनर आ जाता है देन बैनर के अंदर आपको बताता है कि वर्जन कौन सा यूज ले रहे

सो so, अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है सो यू कैन यूज एंड बैनर बैनर सो ये हमारा महिषासुर सो दिस इज द सिंपल बैनर कमांड सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से एक मेटा एक्सप्लोइट को हम एग्जिट कर देते हैं ओके सो देयर आर बेसिकली यूजफुल कमांड्स सो फर्स्ट वन इज सर्च सो कुछ भी आपको सर्च करना है लेने हैं या फिर पर्टिकुलरली आपको यो, आ, कुछ एक्सप्लोइ्स के नाम पता है सो यू कैन डायरेक्टली सर्च बाई दे सो फॉर एग्जाम्पल इटर्नल ब्लू सो डायरेक्टली आप भी सर्च कर सकते हैं इटर जो कि पोर्ट नंबर फोर फोर फाइव को सीधा एक्सप्लोइ करता है नाउ सर्च करने के बाद आपको यूज कैसे लेना है सो so यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्ट विद मॉड्यूल नेम और इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल इनफो फोर यूज फोर और यूज दिस वन सो आप यहाँ पे पूरी पाथ को भी कॉपी कर सकते हैं एंड देन यू कैन टाइप यूज एंड देन बेस्ट सो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं और अगर आपको टाइम सेव करना है सो यू कैन डायरेक्ट पुट देयर नंबर सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीरो नंबर का एक्सप्लोइ यूज में लेना है सो so जस्ट

हमारे केस के अंदर नेटर पीटर जो कि रिवर्स टीसीपी पे बेस पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सो so, पेलोड हमारे पास ऑलरेडी है नाउ एक्सप्लोइट्स हो गए पेलोड्स हो गए uh, या और आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है पर्टिकुलरली uh, इस एक्सप्लोइ uh, के बारे में या जो भी आप एक्सप्लोइट यूज में लेंगे सो यू कैन यूज द इन्फो कमांड शो इन्फो सो शो इनफो करने के बाद में आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी इस एक्सप्लोइ की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के काम में लेना चाहते हैं सो यू कैन यूज डायरेक्टली फ्रॉम हेयर प्रोवाइडेड बाय अवेलेबल टारगेट्स और जैसे विंडोज सेवन का है स्टैंडर्ड सेवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट uh, uh, सर्वर सो so, ये सब अफेक्टेड है जहां पर आपको डिटेल्स मिलती है देन चेक सपोर्टेड यर्स एंड द बेसिक ऑप्शन जो कि आप एडिट कर सकते हैं पेलोड इन्फॉर्मेशन स्पेस टू थाउजेंड एंड उसके बारे में डिस्क्रिप्शन एंड सम और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन दिखाएं जो कि मैं यहाँ पे पुट करू डायरेक्ट एक्सप्लोर कर सकूँ सो यू कैन यूज शो ऑप्शन सो इस केस में आपको ऑप्शन शो करेगा ये नाउ आपके पास नेम करंट सेटिंग्स रिक्वायर्ड एंड डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपको जो भी आपका टाइटल होगा वो यहाँ पे शो कर देता है देन करंट सेटिंग्स में पे या तो ब्लैंक होगा या कुछ वैल्यू ऑलरेडी पुट होगी नाउ रिक्वायर्ड के अंदर अगर आपके यस yes है सो यू हैव टू पुट दैट इन्फॉर्मेशन अगर आपके नो no है सो यू कैन लिव इट आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं सो so, हमारे केस में ये नो no नो -no है तो आप इन सब तीनों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं बट यस यू हैव टू पुट आर होस्ट नाउ वट इज आर होस्ट सो आर होस्ट हो गया आपका रिमोट होस्ट जो कि आपका टारगेट पर्सन है सो so, यहाँ पे आप टारगेट पर्सन की आई पी यहाँ पे सेट करते हैं एंड uh, नीचे जो पेलोड ऑप्शन है दैट्स मीन जहाँ से अब आपका कनेक्शन क्रिएट होगा मतलब आपका आई पी एड्रेस सो फॉर एग्जाम्पल मेरा आई पी एड्रेस अभी टेन एट ट्वेंटी सेवन टू वन वन सो मुझे यहाँ पे एल होस्ट के अंदर मेरा आई पी एड्रेस डालना होगा एंड नाव देन एलपोर्ट सो यहाँ पे अगर आपके पास डबल फोर डबल फोर कि आपके पास पोर्ट ऑलरेडी यूज है सो यू कैन चेंज द एल पोर्ट ऑल्सो बट यू कान चेंज दैट आर पोर्ट क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड यस yes है और ऑलरेडी पे आपके इंफॉर्मेशन सेव्ड है आप उस केस में कर सकते हैं कि टारगेट पर्सन ने सारी चीजें बाई डिफॉल्ट ही चेंज कर दी जैसे फॉर एग्जाम्पल एस टी टीपीपी एस पोर्ट आपके एट जीरो है और फोर फोर थ्री पेज रन हो रहा है बट कोई वेब एप्लीकेशन है जो पोर्ट नंबर एट जीरो एट जीरो पे हिट करती है सो so, उस केस में आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं से अदरवाइज़ जीरो, जीरो। अगर रिक्वायर्ड में यस है और करंट सेटिंग्स में ऑलरेडी पुट है वैल्यू सो so उसको छेड़ना नहीं है देन आर होस्ट की वैल्यू सेट करने के लिए अब ना टाइम सेविंग के लिए कि आ, होता क्या है जब भी आप लोग आ, ये कर रहे होते हैं पेनशन टेस्टिंग सो so, पेन के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही आईपी पे एक्सप्लोइट्स और ट्राई करने होते हैं कि मैंने इटर्नल ब्लू भी ट्राई करके देख लिया या फिर इसके अलावा जो मल्टीपल जो एक्सप्लोइट्स आए मैंने वो भी ट्राई करके देख लिए सो so, इस केस के अंदर आप यूज़ में ले सकते हैं सेट जी कमांड सो so, सेट जी बेसिकली क्या होता है आपके जब तक कि मेटा एक्सप्लोइट रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक आपके Uh, वो वैल्यू फिक्स रहेगी सो फॉर एग्जांपल अगर लिख देता हूं. So, मेरे में जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिक्स कर दी है अब आर होस्ट के अंदर बाई डिफॉल्ट या आई पी एड्रेस मेरे ले, ले लेगा चाहे मैं कोई सा यूज में लू सो so, आपको बार बार आईवी पुट करने की जरूरत नहीं है बार बार आपके टारगेट की इन्फॉर्मेशन डालने की लिए नहीं है और सिंपली जब आपको इसको हटाना हो या तो आप कर सकते हो या फिर यू कैन यूज द सनसेट जी एंड देन जैसे आप ये करते हैं सो आपकी वैल्यू यहाँ से ये हट जाती है सो so, दोनों ऑप्शन है रिस्टार्ट पे भी आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी नाउ यहाँ पे करते हैं शो ऑप्शन शो ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके आर होस्ट के अंदर आई आ जाती है नाव ये तो हो गया सेट जी के थ्रू अगर आप एक बार यूज में लेते हैं सो यू कैन जस्ट यूज सेट एंड देन आर होस्ट एंड आई पी एड्रेस सो आप ये भी यूज में ले सकते हैं नाउ एल होस्ट मुझे चेंज करना है सो सेट एल होस्ट एंड देवेंटी सेवन डॉट टू वन वन एंड पोर्ट नंबर अभी बाई डिफॉल्ट ये रहने देते हैं क्योंकि मुझे पता है फोर 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 अभी मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है फिर से शो ऑप्शन करके देख लेते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन सेट है आर होस्ट ओके है ये तीन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है एल होस्ट uh, मेरा यहाँ पे मैंने मेरा आई पी एट डाल दिया है एल पोर्ट मैं यहाँ पे यही रख रहा हूँ नाव आपका पेलोड सेट हो चुका है आपका एक्सप्लोइड सेट हो चुका है नाव वी हैव टू ऑप्शनस कि आपका इस एक्सप्लोइ को रन कैसे करेंगे सो यू हैव टू द फर्स्ट वन इज जस्ट टाइप एक्सप्लोइ एंड प्रेस एंटर और यू कैन यूज द रन सो बेसिकली कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि यहाँ पे ऑग्जिलरीज भी होती है सो मेटा एक्सप्लोइ में ऑग्जिलरीज होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एन मैप वगैरह आप जब रन कर रहे हो या फिर कुछ एनिमरेट कर रहे हो सो so उस केस में आप उसको एक्सप्लोइ नहीं कर रहे होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे आप रन कमांड यूज में लेते हैं बाकी रन और एक्सप्लोइट में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है आप चाहे रन लिख सकते हैं आप चाहे एक्सप्लोइट लिख सकते हैं सो एक्सप्लोइ थोड़ा कूल cool लगता है सो so, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सेट है और मेरा जो टारगेटेड सिस्टम है वो फोर फोर फाइव का वनरेबल है इंटरनल ब्लू का सो so, यहाँ पे एक्सप्लोइ करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास रिवर्स कनेक्शन क्रिएट होता है कि नहीं होता या फिर एक्सप्लोइट के साथ मल्टीपल ऑप्शन भी है सेशन रिलेटेड इन केस नहीं होता तो वो ट्राई करके देखेंगे हम लोग सो so, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ सो so, एंटर करने पे स्टार्ट रिवर्स टीसीपी हैंडलर सो so, यहाँ पे जो भी मेरी मेरा आईपी एड्रेस है वो फोर फोर के साथ यूजिंग ऑक्सलरीजर एस एसएमबीज़ होस्ट इज़ लाइकली बनरेबल विंडो सेवन प्रोफेशनल है मेरे अभी स्कैन वन होस्ट और यहाँ पे कुछ एक पैकेट सेंड करना चालू कर दिया है एक्सप्लोइ का एंड सो बेसिकली ये क्या कर रहा है ट्राई टू लाइक गेट रिवर्स कनेक्शन फ्रॉम दैट विंडो सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम सो विंडोज सेवन पे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस यस सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास विन लिखा हुआ आ गया है दैट्स मीन जो मेरा कनेक्शन था वो मेरा क्रिएट हो गया है नाउ यू कैन सी द मीटर प्रीटर कनेक्शन अगर नहीं होता तो यहाँ पे बेसिकली आपके फेल लिखा हुआ आ जाता है सो so, दोनों तरीके हैं यूज में लेने के आप दोनों तरीके यूज में लेके देख सकते हैं सो मेटर एक्सप्लोर करने के मीटर करने के बाद यू कैन यूज द हेल्प कमांड ऑल्सो

हा हा स्क्रीनशॉट से रिलेटेड या एसएस इन्फो करके देख लेते हैं एसएस इन्फो सो एसएस इन्फो में कंप्यूटर जॉन पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 6.5 बिल्ड सर्विस पैक वन आर्किटेक्चर 64 सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश डोमेन वर्क ग्रुप में है लॉकडाउन यूजर 0 एंड 64 विंडोज अह सो बेसिकली पीएमआर टारगेट नहीं है कि विंडोज 7 कैसे है होता है हमारा टारगेट ये है कि मेटा uh, एक्सप्लोइट के एक्सप्लोइट्स और पेलोड्स आपको समझ में आए कि कैसे इसको यूज़ लेने होते हैं क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसके अंदर और मॉडल्स के साथ कैसे कैसे आप इसमें वर्क कर सकते हैं सो एजेंडा इज सिंपल आप सिंपली आप सर्च कमांड्स के थ्रू एक्सप्लोइड सर्च करते हैं देन आपके पास एक्सप्लोइ्स की लिस्ट आ जाती है देन विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड आप उस एक्सप्लोइ को यूज में लेते हैं और यूज़ में लेने के बाद में आप उस पर पे पेलोड सेट करते हैं जो भी आपको पेलोड चाहिए सो so, पेलोड बेसिकली हो गया कि आपका इंटेंशन क्या है उस पेलोड से रिलेटेड सो so, आपने वहाँ पे पेलोड सेट किया एंड पेलोड सेट करने के बाद रिमोट होस्ट आईपी आपने सेट की जो भी टारगेट पर्सन की है uh, या फिर टारगेट जो भी आई पी एड्रेस वगैरह है एंड देन आपने एल होस्ट सेट किया जो का जो कि आपका आई पी एड्रेस आता है एंड देन केस uh, so, के अंदर आपके पास uh, जो भी आपने exploit रन करेगा या तो आपके सक्सेसफुली रन हो जाएगा या फिर आपको कुछ error दे देगा में भी कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह हो सो so उस डिपेंडेंसीज को आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो विंडोज सेवन प्रोफेशनल है बट हो सकता है वो विंडोज इलेवन हो ट्वेल्व हो थर्टीन हो फोर्टीन हो सो so, यहाँ पे आपके विंडोज सेवन प्रोफेशनल क्योंकि ये बता रहा है कि होस्ट इज लाइकली वनरेबल सो यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि है तो ये भी टूल ही सो दिस इज द सिंपल वीडियो फॉर द मेटा बेटर एक चीज और था uh, जो सेशन के तौर पे जो कि आप यूज में लेते थे सो यू कैन यूज लेट मी एडसेप्ट दिस कमांड ओके सो शो

और जैसे आपके सेशन ओपन होगा आपको यहाँ पे सीधा का सीधा शो कर देता है जैसा हमारा भी पहले हुआ था सो so गाइज आज के इस सिंपल ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टूल के ट्यूटोरियल के साथ जब तक के लिए टाटा बाय बाय